हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉली। टुडे इज माय टॉपिक। आज का जो असाइनमेंट रहने वाला है ये है क्लीज प्रेजेंटेशन ऑन ओवर डायबिटिक्स के ऊपर, राइट। तो इसका जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आपको बनानी है, और आपको एक फ्रंट पेजेस लेना है जिसको आपको अच्छे से डेकोरेट करना है, राइट। जो आपको टॉपिक है आपको वो टॉपिक नाम लिखना है, जैसे कि क्लीज प्रेजेंटेशन ऑन ओवर डायबिटिक्स पर है, राइट। इस पर नेक्स्ट आएगा जैसे कि सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट जैसे मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक का है, ठीक है। सबमिटेड टू में क्या होता है कि आप अपना खुद का जो मैम का नेम है वो लिखेंगी, राइट, जिस भी मैम ने आपको ये असाइनमेंट रेडी करने को कहा है। सबमिटेड ऑन में आप अपना खुद का नेम लिखेंगे, राइट, और सबमिटेड बाय में डेट मेंशन करेंगे जिस भी डेट को आपको सबमिट करना है। क्लास का लिखना है जैसे कि GNM थर्ड ईयर, राइट। इसका नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें आ जाता है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। में क्या होगा, नेम होगा एंड एज होगी, एज कितनी है, देन इसके बाद सेक्स होगा एंड और क्लास क्या रहेगी, कॉलेज का नेम रहेगा, देन इसके अंदर टॉपिक रहेगा ओवर डायबिटिक्स के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बायोडाटा ऑफ द पेशेंट। आपको बायोडाटा देना है पेशेंट का, जैसे कि नेम लिखना है पेशेंट का, उसकी एज क्या है और मेल है फीमेल है, एजुकेशन क्या है, उसकी एजुकेशन मतलब उसने एक जो भी एजुकेशन किया वो आपको सब मेंशन करना पड़ेगा। ऑक्यूपेशंस क्या रहेगा, अगर वो जॉब कर रहा है तो आपको जॉब बतानी पड़ेगी, इसमें मेंशन करना पड़ेगा। अगर हाउस वाइफ है या मतलब बिजनेस है तो वो भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। रिलेशंस क्या रहेगा, स्किन से रिलेटेड है, देन एड्रेस देना पड़ेगा। डायग्नोसिस क्या है, ओवर डायबिटिक, ठीक है। जब कंप्लेंट्स क्या है, पेन एब्डोमिनल एंड फीवर है, वीकनेस है, डिस्कम्फर्ट टेबल है, ठीक है, और नोजिया एंड वोमिटिंग की प्रॉब्लम है। देन इसके बाद आप जो लिखेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे, द पेशेंट एडमिट इन द हॉस्पिटल विद द पेन फीवर वीकनेस, राइट। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री क्या, कोई भी इसकी मतलब कि प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। पर्सनल हिस्ट्री क्या रहेगी, डाइट रहेगा और वेजिटेरियन है, हैबिट क्या है, नो बैड हैबिट्स, फ्लूड क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है, टी एंड मिल्क ले रहा है, स्लीपिंग पैटर्न क्या है, डिस्टर्ब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फैमिली ट्री बनाना है आपको। इसमें क्या होगा, सीरियल नंबर, पेशेंट के जो मेंबर हैं कितने मेंबर हैं, उनके नेम, उनकी एज, सेक्स क्या है एंड ऑक्यूपेशंस क्या रहेगा, एजुकेशन क्या है, रिमार्क देना है। उसके बाद आपको फैमिली ट्री बनाना है, जिसके अंदर आपको ट्री बना के पेंसिल से ड्रॉ करना है, हस्बैंड और उसकी एज लिखना है, पेशेंट की एज लिखना है, डॉटर है तो डॉटर की एज लिखनी है। देन इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, जिसमें कि बेसलाइन डाटा क्या रहेगा, उसका वेट, हाइट, पल्स, रेस्पिरेशन क्या रहेगी, राइट। जनरल अपीयरेंस में भी लिखना है आपको, जैसे नरिश, नोट गुड, बॉडी फ्लूड क्या रहे, स्टेटस क्या, एक्टिविटी क्या रहेगी, देन स्किन कंडीशन क्या है, कलर कैसा है, रेड है कैसा है, टेक्सचर क्या है, और इसके बाद हेड आ जाएगा, सीवियर हेडेक एंड हेयर कलर्स ब्लैक है, स्कैल्प क्लीन है, आईज़ कैसी है, आई बोल नो डिस्चार्ज एंड आई लिड्स नॉर्मल, विजन क्या है, ब्लर्ड विजन, यानी कि आंखों से उसको क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप ईयर एंड नोज एंड ईयर नो डिस्चार्ज, हियरिंग प्रॉपर हियरिंग यानी प्रॉपर से उसे सुनाई देता है, नोज नो डिस्चार्ज, नाक से कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, एक्सट्रीमिटीज जिसमें क्या लिखेंगे, अपर एक्सट्रीमिटीज प्रॉपर एंड मूवेबल हो रहा है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में स्वेलिंग है, राइट। नेक्स्ट इसके जेनिटलिया में क्या है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा, लिसन नो, राइट। इस पर नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें वाइटल साइन लिखना है, वाइटल साइन तो आपको हर एक असाइनमेंट में शो करना है, जैसे कि वाइटल साइन, नॉर्मल रेंज क्या है, पेशेंट की रेंज क्या है और रिमार्क क्या रहेगा, राइट। जैसे कि इसके टेम्परेचर्स है, टेम्परेचर नॉर्मल कितना रहेगा, पल्स कितनी है उसकी एंड रेस्पिरेशन क्या है, ब्लड प्रेशर कितने हैं, सेचुरेशन कितना है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या लिखना है आपको, जैसे कि ड्रग नेम है, डोज, रूट, टाइम, एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। कोई भी अगर वो इंसुलिन ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, कितने ml में ले रहा है, रूट क्या है उसका, टाइमिंग क्या है और एक्शन क्या है, कंट्रोल डायबिटिक के रिलेटेड दिया जा रहा है, इंसुलिन दिया जा रहा है उसको या फिर मेडिसिन दी जा रही है, ओरल के थ्रू दी जा रही है या कुछ मतलब कि मेडिसिन दी जा रही है, वो सब मेंशन करना पड़ता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डिजीज कंडीशन क्या है, इसमें डेफिनेशन देना है, जैसे कि ओवर डायबिटिक इज द कंडीशन विच द पेशेंट शोज एंड एबनॉर्मल ग्लूकोज टू द एंड ट्रस्ट टेस्ट एंड विद और विदाउट सिम्टम्स एंड द रेड्स फैटीज एंड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना है, वो सब बता रखा है इसमें।
कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है उसके अंदर वो बताना आपको, एंड मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर क्या क्या प्रॉब्लम आई है वो सब देना पड़ेगा आपको, एंड ड्यूरिंग लेबर के टाइम पर क्या क्या हुआ है वो सब देना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें है ऑपरेटिव एंड इंटरफेरेंस, जिसमें कि फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या है, फीटल कॉम्प्लिकेशंस है क्या, इसमें नेम बता देना आपको, कॉन्जाइटल एंड मेलफॉर्मेशंस, बर्थ इंजरीज, ठीक है, अनएक्सप्लेन फीटल डेथ, एंड इसके बाद नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या रहता है, हाइपोक्लेमिया, RDS, ठीक है, तो इसमें पूरा डिटेल देना पड़ेगा आपको। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें दिया गया है नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा वो बताना है आपको, ठीक है, प्रिंसिपल देना है, केयरफुल एडर्नल एंड सुपरविजन्स, कंट्रोल ऑफ डायबिटिक्स टू डिलीवर अ हेल्दी बेबी, मैनेजमेंट्स क्या है वो गोल देना है आपको, द गोल ऑफ द मैनेजमेंट इज टू अचीव हाई कंट्रोल ऑफ द डायबिटिक बिफोर द एंड ऑनसेट ऑफ द प्रेगनेंसी, दे इसमें द एंटीनेटल ऑफ द सुपरविजन शुड बी एट द मंथली इंटरवल अप टू 20 वीक्स सेकेंड एंड दे आफ्टर एट द वीक्स इंटरवल अप टू 30 वीक्स, राइट। तो इसमें कुछ पॉइंट है जिसमें आपको लिखना है, मतलब 8 से 10 पॉइंट लिखना है और अच्छे पॉइंट लिखना है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को डायबिटिक में, वो सब पॉइंट आप इसमें मेंशन करेंगे जो भी आपने मैनेजमेंट किया। और ये भी पॉइंट है जैसे कि इसमें 13 पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, फर्स्ट 8th जो पॉइंट है फ्रीक्वेंट ब्लड शुगर, ठीक है, एस्टिमेशंस आज डू एंड नेक्स्ट आ जाएगा फॉर्म 32 वीक्स एंड ऑनवर्ड द फिट्स इज द असेस्ट फॉर फीटल वेल बींग। इन कॉम्प्लिकेशन केस द पेशेंट इज द एडमिट एट 34 to 36 वीक इन द हॉस्पिटल इफ द डायबिटीज इज द डिफिकल्ट टू द कंट्रोल द LSCS इज डन, राइट। तो आ जाएगा इसमें पोस्टनेटल केयर, सेकेंड केयर ऑफ द बेबी इज टेकन सम एज द गेस्टेशनल डायबिटिक्स, राइट। इसमें 13 पॉइंट है जो कि आपको लिखना है। इसके बाद आ जाएगा समराइजेशन, समराइजेशन का मतलब होता है कि आपने कि इसके अंदर क्या क्या लिखा है वो बताना है, जैसे कि सेल्फ आइडेंटिटी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा समराइजेशन, समराइजेशन में क्या होता है कि जो आपने असाइनमेंट में लिखा है वो सब इसमें टॉपिक लिखना पड़ेगा, जैसे कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, बायोडाटा ऑफ द पेशेंट, चीफ कंप्लेंट्स, पर्सनल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री लिखना है, फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइन, ट्रीटमेंट, डिजीज कंडीशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आएगा बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, जिस भी बुक से आपने असाइनमेंट रेडी किया है और उसका ऑथर नेम क्या है, उसका एडिशन क्या है, और अगर आपने वेबसाइट से किया वेबसाइट का नेम लिखना पड़ेगा, राइट। जैसे कि इसमें बुक का नेम देखना है, मिडवाइफ ऑब्स्टेट्रिक रिटन बाय द एंड डॉक्टर हेगोन शैली एंड सीरन संचू एंड पब्लिश्ड बाय द लोटस पब्लिश, एडिशन 4th रहेगा। देन इसका पेज नंबर लिखना है आपको, अगर वेबसाइट से लिखते तो वेबसाइट का नेम लिखना है, राइट। तो आज का जो हमने डिस्कस किया है डायबिटिक के ऊपर क्या है कि डायबिटिक की जो असाइनमेंट है कैसे रेडी करनी है, ये BSc वाले भी बना सकते हैं, देन इसमें आप जो GNM वाले हैं वो भी बना सकते हैं, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।